सबसे खराब बात तो यह है कि जिन स्टेट्स में ऑपोजिशन की सरकारें एग्जिस्ट करती हैं, वहां पर उन्हें काम भी नहीं करने दिया जाता। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स ने बार बार ये आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर कि गवर्नर्स का इस्तेमाल करके हमारे डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस करी जा रही है, हमारे कामों पर रोक लगाई जा रही है। वेस्ट बंगाल की सरकार ने ऐसा कहा, बार बार वेस्ट बंगाल के गवर्नर पर ये ब्लेम गया। तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा कहा, दिल्ली की सरकार ने ऐसा कहा, केरला की सरकार ने ऐसा कहा। पिछले साल केरला की सरकार ने तो ये तक आरोप लगाया था कि जो हम बिल पास करते हैं हमारे गवर्नर उस पर दो दो साल तक बैठे रहते हैं, उन बिल्स को अप्रूव भी नहीं होने देते। इस बात को लेकर केरला स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन भी करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर्स इस तरीके से बिल्स पर बैठ नहीं सकते, ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दिल्ली में एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार के बीच में जो इशू चला है उसके बारे में तो आप कई साल से सुनते आ रहे होंगे। सीएम केजरीवाल ने बार बार कहा है पिछले कई सालों में कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, एलजी हमारे काम के बीच में इंटरफेरेंस करते हैं। इस बात को लेकर दिल्ली सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन भी सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी कहा था कि एलजी को इस तरीके से इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, असली पावर चुनी गई सरकार के हाथ में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, वो एक नया कानून ले आए दिल्ली सरकार की पावर्स को छीनने के लिए। GNCTD, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसका इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने कई सारी पावर्स जो दिल्ली सरकार के पास थी उन्हें ट्रांसफर कर दिया एलजी के पास। हमने अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया, इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उनका दवाइयां बंद करा दी, इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए। मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए, इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग।